जय उत्तराखंड वैसे मोटे में आपका स्वागत है। खबर देहरादून से। देहरादून में 23 जून 2019 को दिव्यांग लोक कला उत्सव को लेकर स्वर कोकिला कल्पना चौहान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि वह जो बच्चे गरीब हैं, लाचार हैं, जिन्हें हुनर है, उन्हें परख कर उन्हें फ्री में शिक्षा दी जाती है, उन्हें उनके काबिलियत के हिसाब से उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है, और जिसमें जिस तरह का भी हुनर है, ढोल है, तबला है, हारमोनियम है, उन्हें सिखाया जाता है। और इन्हीं बच्चों को लेकर, इन्हीं की तैयारी को लेकर 23 तारीख को नगर निगम हॉल में यह एक उत्सव किया जा रहा है। आइए देखिए देहरादून से रेनु पटौनी की यह प्रोग्राम। विगत कई वर्षों से हम लोग कर रहे हैं। जब 2010 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से 2011 से हम लोगों ने उत्तराखंड के जो भी हम विभिन्न क्षेत्रों से, चाहे पौड़ी हो, चमोली हो, टिहरी हो, जौनसार हो, तो हमारे उत्तराखंड में ऐसे दिव्यांग बच्चे हैं जिनके अंदर बहुत अच्छी कला है, लेकिन वो छुपी हुई है। उनको मंच तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने एक प्रयास किया था 2011 में, और जो कि अब तक सक्सेस होता हुआ है। कई बच्चे ऐसे हैं कि जो कि अब इस कला के माध्यम से आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे नए नए बच्चों को जो कि हमारे उत्तराखंड के बच्चे हैं, उनको मंच देते हैं, उनको बुलाते हैं, उनकी कला का प्रदर्शन आप लोगों के ज़रिए से पब्लिक तक पहुँचाते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात की कि हम कई बच्चों को इस मंच दे चुके हैं, और उनको उत्तराखंड के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे हैं वो, जिनके अंदर बहुत अच्छी टैलेंट छुपे हुए, तो हम लोग उनको मुंबई तक भी लेके गए हैं। प्रयास हमारा यही रहा है कि हम उन बच्चों को जितना अच्छे से अच्छा मंच दे सकें, हमारा प्रयास है। और बड़ी बहुत सारे संस्थान जी जी बिल्कुल होता है, क्योंकि मैं 2000 नहीं देखिए कार्यक्रम, हम लोग सिर्फ कला, लोक कला के बच्चे हैं, तो लोक कला के बच्चे जो वो मंच तक ही अपनी कला के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। और मैंने देखा है कि हमने कुछ, चौहान साहब ने कुछ ऐसे बच्चे लाए थे दूर ग्रामीण क्षेत्र, जो कि पत्थर फोड़ते थे या भीख मांगते थे गा के, तो हम लोगों ने उन बच्चों को उठा के, आज वो बच्चे किसी पे आश्रित नहीं है, कोई ना शो वगैरह करते हैं, हम लोगों ने उनको प्रोवाइड किया है। जैसे ढोलक, जिसको ढोलक है, तबला है, कीबोर्ड है, हारमोनियम जो बजाना चाहता है, हम लोगों ने उसको प्रोवाइड किया, और आज वो बच्चे उस इंस्ट्रूमेंट के जरिए अपना कार्यक्रम देते हैं और आगे बढ़ रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी होती है कि जो बच्चे कुछ नहीं कर पाते थे लेकिन उनके टैलेंट था, आज वो अपने कला के माध्यम से अपने लिए दो रोटी कमा रहे हैं और अच्छा एक इज्जत की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात होती है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि धन सिंह रावत जी हैं, विशेष अतिथि हमारी संस्कृति विभाग की वीना भट्ट जी भी हैं, और भी और कुछ हमारे जो मंत्रीगण हैं उनको हम लोगों ने कार्ड दिया। अब देखिए कितने लोग आ पाते हैं ये तो उसी दिन पता चलेगा, लेकिन हम लोगों ने आमंत्रित सभी को किया है ताकि इन बच्चों। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।